आपका फिर से देसी ट्रेवल लवर चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ लक्षद्वीप के अगाटी आइलैंड। अगाटी आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, यानी लक्षद्वीप भी पूरा खूबसूरत है। लक्षद्वीप के बारे में आप लोग सुना होगा लेकिन इतना देखा नहीं है, तो आज मैं आप मेरे वीडियो के जरिए देख लीजिए। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं है बल्कि एक अवेयरनेस कैंपेन मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि इसको कितना शेयर करना चाहिए। दोस्तों यह हमारा इंडिया का मैप है और सैटेलाइट की इमेज के द्वारा देखिए अगाटी आइलैंड। गाइस ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में अरब सागर में बसा हुआ है। दोस्तों पूरा लक्षद्वीप में ये एकमात्र एयर स्ट्रिप है। दोस्तों रनवे की चौड़ाई सिर्फ 30 मीटर है और लंबाई 1200 मीटर है। आप सोच सकते हैं कितना छोटा है, रनवे से सब सीनरी दिख जाता है, बीचेस। लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो आइलैंड के, यही ब्लू लेगुन है, बहुत ही खूबसूरत है। बाकी दूर में जो आप देख रहे हो वो है आपका डीप ब्लू, यानी पूरा समुंदर है। एक ही फ्लाइट चलता है यार इंडिया की, एयर फ्लाइट कोची से अगाटी। ये जो आप देख रहे हो ये जेटी है, बोट की टर्मिनल। तारीख 4 नवंबर 2015 को हमने कोची से अगाटी आइलैंड के लिए रवाना हुए। ये आप फ्लाइट देख सकते हैं, एयर फ्लाइट। कोची से अगाटी की दूरी लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगता है और ये पहला आइलैंड आप देख रहे हैं फ्लाइट से। और दोस्तों स्वागत है अगाटी आइलैंड में। ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं ये है अगाटी आइलैंड। फ्लाइट जो है पोजिशन ले रहा है लैंडिंग के लिए, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो ऐसा लग रहा था जैसे हम समुंदर में उतर रहे हैं। ये भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है क्योंकि छोटा सा एयरपोर्ट है। और आप देख लीजिए लैंडिंग की तस्वीरें, देखिए कितना खूबसूरत है। ब्लू लगन साफ दिख रहा है रनवे से उतरते वक्त, पीछे जो है वो अरब सागर है। और हम अभी टच डाउन किया है और रनवे से ऐसा दिखता है। दोस्तों ये मेरे ओपिनियन से इंडिया की सबसे खूबसूरत और सीनिक एयरपोर्ट है जहाँ तक समुंदर और बीचेस कंसर्न्ड है। दूसरे जगह की तरह कोई हैवी रश नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टूरिस्ट है। और दोस्तों मेरा सपना पूरा होते हुए इसे खूबसूरत बीच में मुझे जाना था और मैं पहुंच गया अपने ही देश में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लोग मालदीव्स कहां कहां नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश में मैंने इस तरह का ब्यूटी डिस्कवर किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आइलैंड का ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया और बता भी दिया, अब बस आप पीछे नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। अंडमान से भी कई ज़्यादा गुना खूबसूरत है। अगाटी आइलैंड के करीब में तीन और आइलैंड है, बंगारम आइलैंड, कटमट आइलैंड और तिनाकर आइलैंड। ये जो फोटोग्राफ है मेरा बहुत ही यादगार फोटोग्राफ है, आप नज़ारा जो देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत है। जन्नत इधर भी है, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि हमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे इंडिया में भी इतनी खूबसूरत आइलैंड है। अगर आपको दूसरा आइलैंड में जाना है तो अगाटी आइलैंड आना ही पड़ेगा फ्लाइट से, फिर यहाँ से आपको बोट ट्रांसफर होगा। बोट भी बहुत हाईफाई है, बहुत ही अच्छा है। पूरा लक्षद्वीप आने के लिए आपको कोची में आना ही होगा, कोची मेन गेटवे है। ये तस्वीर जट्टी में लिया था और ये बहुत ही खूबसूरत है, आप जिधर भी देखो चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा। और ये एयरपोर्ट का टर्मिनल से खींचा था मैंने ये तस्वीर। लक्षद्वीप ट्रिप करने के लिए आपको पैकेज टूर बुक करना होगा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड एकोमोडेशन है और कोची ही मेन गेटवे है। लक्षद्वीप आने के लिए आपको परमिट लेना बहुत ही ज़रूरी है, परमिट के बिना आपको फ्लाइट में भी बोर्डिंग करने को नहीं दिया जाएगा। अगर आपको फ्लाइट से नहीं जर्नी करना है तो आप लोग जहाँ से भी जा सकते हो कोची से, फिर से 3-4 जहाँ चलते हैं सीधा कबराती लेके जाता है जो राजधानी है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप ट्रिप करने के लिए आपको डिटेल आइटिनरी का मैं एक वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ जिसमें कितना खर्चा होता है, कितना दिन रहना चाहिए, सब कुछ बता दूंगा। और इनसे मिले, ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर दीपज्योति मैस, जिन्होंने मदद किया मेरे यादों को यादगार बनाने के लिए। दोस्तों अगाटी आइलैंड के लिए फिलहाल इतना, अगले आइलैंड में लेके आ रहा हूँ बंगारम आइलैंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अच्छा से रहिए। थैंक यू। Memories fade away, wither out, but I can't ignore.